Good morning students, how are you? I welcome you all in the video number 13. I hope you people are staying at your homes and you are practicing and studying at your homes. So we are studying the chapter number 3 of geography, composition and structure of atmosphere. ये chapter हमने video number 12 में start किया था. बेटा उसमें मैंने आपको जब start किया था बताया था कि आपका ये chapter है उसमें major 2 topics हैं. एक हमारा कॉम्पोजिशन की किस किस चीजों से मिलके बनाए और स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या उसका कैसा वो दिखता है, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का. सो दिस इज योर वीडियो नंबर 13. कॉम्पोजिशन हमने उसी दिन कंप्लीट किया था वीडियो नंबर 12 में कि कौन कौन सी गैसेस के साथ बना है, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेज, आर्गन है ना, ये सारी गैसेज से मिलकर हमारा एटमोस्फेयर बना है. आज का जो हमारा बेसिक है वो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बारे में. सो स्ट्रक्चर में भी क्या आता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड दी एग्जोस्फीयर. ये पांच नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फीयर कौन कौन सा होता है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड दी एग्जोस्फीयर. फिर हम इसका एक सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे. सो आज के हमारे ये कुछ टॉपिक्स है जिनको हम वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक रीड करेंगे. सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फीयर. ट्रोपोस्फीयर से भी पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि टॉपिक हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. उससे पहले मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग भी समझाया था जो कि बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स. अगर हम अर्थ की सरफेस से काउंट करना स्टार्ट करें तो ये देखिए हमारी 5 लेयर आती है, ट्रोपोस्फीयर, इसके बाद हमारी ओजोन लेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड दी एग्जोस्फीयर. सो 5 लेयर्स इसके ये नाम दिए हुए हैं. देन अब हमारा आता है टॉपिक नंबर 1, दैट इज ट्रोपोस्फीयर. द टेम्परेचर इन दिस लेयर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. इट डिक्रीजेज रफली एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर ऑफ एसेंट. इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट. दिस लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स अस अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट. मतलब ये टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जाता है, जितना ऊंचा ऊंचा आप जाते जाओगे इसकी थिकनेस डिक्रीज होती जाएगी. इसका जो मेनली होता है वो हमें हीट से बचाता है दिन के टाइम में. और जो इसकी जो रेट है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर्स में है. इसको हम एसेंट बोलते हैं और इसको जो नाम दिया है दैट इज नॉर्मल लैप्स रेट. सो द सेकेंड पैराग्राफ, द लेयर क्लोजेस्ट टू अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फीयर. The layer closest to the earth is called the troposphere. The term tropo has been taken from a Greek word which means mixture. Means, so जो हमारा troposphere का word है tropos का मतलब होता है mixture, जिसमें mixture होता है काफी सारी gases का different proportions में. This layer extends from earth's surface up to a height of 8 km above the poles of 18 km above the equator. This is the densest layer of the atmosphere and contains gas, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर एक्सेट्रा. द एयर वी ब्रीथ इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. ऑलमोस्ट ऑल नेचुरल फिनोमिना लाइक फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, रेनफॉल, फॉग एंड द हेल स्टॉर्म ऑल्सो अकर इन दिस लेयर. सो ट्रोपोस्फीयर मिक्सचर होती है काफी सारी गैसेस की, जिसमें की जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो भी इसी लेयर के अंदर प्रेजेंट होती है. और जो नेचुरल फिनोमिना होती है जैसे कि क्लाउड बनना, रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सब इसी लेयर में होती है. सेकंड आती है बेटा हमारी स्ट्रेटोस्फीयर. अबव दिस ट्रोपोस्फीयर लाइज द स्ट्रेटोस्फीयर. इट एक्सटेंड्स रिमेन अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट अप टू अ हाइट ऑफ 20 किलोमीटर एंड देन इंक्रीजेज विद अ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन एंड दिस इज कॉल्ड ओजोनोस्फीयर. ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं आप लोग उसको अंडरलाइन कर लिया करो सो दैट आपके एग्जाम में ये सारे आपको हेल्प करें. स्ट्रेटोस्फीयर क्या होती है, जो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर लेयर आती है जो कि 20 किलोमीटर तक तो सेम रहती है, फिर जितना जितना आप ऊपर जाते जाओगे उसका एल्टीट्यूड चेंज होता चला जाएगा. और ये ओजोन के पास के बाद होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फीयर. द स्ट्रेटोस्फीयर इज फ्री फ्रॉम ऑल वेदर फिनोमिना. ये सब वेदर फिनोमिना से फ्री रहती है, क्लाउड, स्टॉर्म एटसेट्रा. दिस लेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट. द स्ट्रेटोस्फीयर ऑल्सो कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सनरेज. इसके लिए इसका एक एडवांटेज आ सकता है कि राइट द एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर. सो द आंसर कैन बी दिस लेयर इज मोस्ट सुटेबल फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, क्योंकि इसके अंदर एक ओजोन गैस होती है, लेयर होती है ओजोन गैस की, जो कि हमें हार्मफुल इफेक्ट
जो सनरेज की सनरेज से हमारे ऊपर लाइट आती है हार्मफुल रेडिएशन उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है हमारी मीजोस्फियर, इट इज अ थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर एंड लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। ये थर्ड लेयर होती है अर्थ एटमोस्फियर अर्थ से और ये स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होती है। ये 80 किलोमीटर की तक बढ़ती है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है जितना ये -100 डिग्री सेल्सियस से लेके 180 किलोमीटर तक। इट इज अ कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमोस्फियर, सबसे ज्यादा ठंडी लेयर होती है क्योंकि इसका टेम्परेचर माइनस में जाता है। द मीटेराइड्स दैट एंटर इन टू द एटमोस्फियर ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेस एंड आर बर्न्ड ऑन द एंटरिंग दिस लेयर, जो मीटेराइड्स आती हैं वो ये कोल्डेस्ट रहता है तो यहाँ के बस्ट हो जाती हैं और बाकी लेयर्स में जाने से हमें बचाती हैं। फोर्थ आती है बेटा हमारी थर्मोस्फियर, सो इट एक्सटेंड्स बिटवीन 400 किलोमीटर। आइजोस्फियर इज अ पार्ट ऑफ दिस लेयर, द टेम्परेचर इन दिस रीजन इंक्रीजेस रैपिडली विद द इंक्रीज इन हाइट। मतलब थर्मोस्फियर होती है वो हमारी एग्जोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर के ऊपर आती है, जिसमें इसको हम आइजोस्फियर लेयर है जिसके वो रीजन में जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका टेम्परेचर भी बढ़ता चला जाता है। द लोअर पार्ट ऑफ द थर्मोस्फियर इज कॉल्ड आइनोस्फियर, जो लोअर पार्ट होता है थर्मोस्फियर को उसको हम क्या बोलते हैं आइनोस्फियर, एंड इट इज आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसके पास आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस लेयर इज हेल्पफुल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, इसका एडवांटेज आ सकता है। राइट एडवांटेजेस ऑफ थर्मोस्फियर तो लिख सकते हैं, इट इज सुटेबल फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू अर्थ बाय दिस लेयर, जो अर्थ के ऊपर से जो आपके वेव्स जाते हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होकर अर्थ तक सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्फियर लेयर की वजह से ही होते हैं। तो आपका जो रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ थर्मोस्फियर की मदद से हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एग्जोस्फियर, ये आपकी लास्ट लेयर होती है, फिफ्थ लेयर होती है सीधे थर्मोस्फियर के ऊपर, इसका नाम होता है एग्जोस्फियर। अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ के एटमोस्फियर की, आपको याद रखना पड़ेगा अपर मोस्ट कौन सी होती है और सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी होती है। इट इज अ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर एंड लाइट गैसेस, हीलियम हाइड्रोजन एस्केप इनटू द स्पेस फ्रॉम एयर, द टेम्परेचर इंक्रीज विद हाइट एंड एनी रीच एंड मे रीच 4500 डिग्री सेल्सियस। मतलब एग्जोस्फियर होती है अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ के एटमोस्फियर की, इसके बहुत थिक लेयर होती है एयर की जिससे वो गैसेस लाइट गैसेस इजिली लेयर से स्पेस में जा सकती हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है अगर हाइट जब तक हाइट 4500 सेल्सियस ना पहुंच जाए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिग्निफिकेंस, सो फर्स्ट इज वेदर एंड क्लाइमेट अकर्स इन द एटमॉस्फेयर डिपेंडिंग ऑन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एयर प्रेशर एंड विंड। वेदर और क्लाइमेट हमारा अकर क्यों होता है, वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर और एयर प्रेशर और विंड की वजह से। सेकेंड है दैट वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू प्रेसिपिटेशन एंड इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेट, जो वाटर वेपर है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बारिश करवाते हैं प्रेसिपिटेशन करवाते हैं एंड वेदर एंड क्लाइमेट का फॉर्मेशन करवाते हैं। थर्ड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर बोथ एनिमल्स एंड फॉर प्लांट लाइफ, ऑक्सीजन एनिमल्स के लिए भी जरूरी है एंड प्लांट लाइफ के लिए भी जरूरी है। द कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प्स द प्लांट्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसकी मदद से वो अपना फूड को पूरा प्रोड्यूस कर पाते हैं। देन एटमोस्फियर एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड इट्स ओजोन लेयर प्रोटेक्टर्स फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सनरेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एटमोस्फियर हमारे लिए एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है जो कि ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेज से, यूवी रेज का फुल फॉर्म बताया था अल्ट्रा वायलेट सनरेज। सिक्स्थ है एटमोस्फियर कीप्स द अर्थ वार्म इवन ड्यूरिंग द नाइट व्हेन द सन इज नॉट अवेलेबल, एटमोस्फियर हमें गर्म रखता है भले ही रात के समय सन क्यों ना हो, एज एटमोस्फियर एब्जॉर्ब एंड हीट एंड डज नॉट अलाउ हीट रन ऑफ इवन ड्यूरिंग द नाइट, सो द प्रॉपर टेम्परेचर इज मेंटेन, भले ही सूरज न रहता हो लेकिन एटमोस्फियर हमारा सन को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी तरफ खींच लेता है और वो हमें रात के समय हेल्पफुल रहता है जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लास्ट एटमोस्फियर इज वेरी मच यूजफुल फॉर अर्थ, एटमोस्फियर हमारी अर्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ब्लैंकेट की तरह हमारे लिए वर्क करती है। नाउ इन वीडियो नंबर 14 वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द टेम्परेचर टॉपिक, सो टिल नाउ स्टे एट योर होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप आज के टॉपिक आपको सारे समझ आए होंगे, एक बार मैं फिर से नाम बता देती हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। द टॉपिक वी हैव कम्प्लीटेड आर
कॉम्पोजिशन ऑफ एटमोसफियर हम पढ़ चुके, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ चुके, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ चुके, देन आज हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर। स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर हमने पढ़ा था, थर्मोस्फियर सबसे पहली लेयर, स्ट्रेटोस्फियर सेकेंड लेयर, मीजोस्फियर इज द थर्ड लेयर, जिसकी वजह से जो मीजोस्फियर में क्या होता है, आपको मैंने एडवांटेज बताया था कि कोई भी नेचुरल फिनोमिना होता है वो सब आपको उसी लेयर में होता है, और मीटरॉइड्स वगैरह उसमें बर्न हो जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, वो एयरक्राफ्ट को बजाने चलाने के लिए, टेस्टिंग के लिए वो ज्यादा सुटेबल रहती है। थर्मोस्फियर मैंने आपको बताया था आयनोस्फियर बोलते हैं, क्योंकि इसमें आयनाइज्ड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। नेक्स्ट इज एग्जोस्फियर, जो कि अपर मोस्ट लेयर होती है हमारे अर्थ की। बाकी सिग्निफिकेंस आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। टिल नाउ वेट फॉर वीडियो नंबर 14 एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।